यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है कृपया करके यमुना के पास ना आएं। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, कृपया करके यमुना के पास ना आएं। आप लोग पीछे हो जाइए, यमुना का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली की यमुना नदी उफान पर है और आसपास के निचले जितने भी इलाके हैं वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ऊपर जाने का निर्देश जो है वो तमाम जो जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है यमुना घाट के पास। आप देख सकते हैं कि तमाम जो जिला स्तर के अधिकारी हैं और यमुना के किनारे आसपास के इलाकों में रह रहे हैं उनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आप ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त खतरे के निशान से जो है वो ऊपर बह रही है। यमुना का इस वक्त जल स्तर जो है वो लगभग 205.99 के आसपास है और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी का जो लेवल है वो छोड़ा जा रहा है। उसके बाद से यमुना इस वक्त अगर कहा जाए तो तमाम इलाकों में निचले इलाकों में पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और तमाम जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए यमुना खादर के इलाके हैं, यमुना विहार के आसपास के तमाम इलाके हैं, बुराड़ी आसपास के इलाके, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो लोग जो रह रहे हैं लो लाइन एरिया उनको वहां पर पानी का लेवल जो है वो बढ़ चुका है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी जो पूरे साल सूखी रहती है वो इस वक्त पूरी तरीके से उफान पर है और आवरी लगातार जिला प्रशासन की माने तो और भी पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और खतरे के निशान से यमुना नदी जो है वो ऊपर बहती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है।